गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद रिशा। मैं हूं विकास और मैं इस वक्त हूं कर्नाटका के सेकंड बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस टूरिस्ट सिटी मैसूर में। मैसूर एक ग्रीन एंड वेल प्लान्ड सिटी है। इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट टिल 1950 मैसूर वॉज दी प्रिंसली स्टेट ऑफ कर्नाटका। मैसूर इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ पैलेसेस। इस वीडियो में मैं आपको मैसूर की टॉप टूरिस्ट प्लेसेस दिखाऊंगा जो आपको अपनी मैसूर की ट्रिप में ऐड करना ज़रूरी है। मैं पहुंच चुका हूं अपनी पहली टूरिस्ट लोकेशन पे, विच इज़ दी मैसूर पैलेस। मैसूर को पहले सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से भी जाना जाता है और यहां पे टोटल 7 पैलेस है, जिसमें से सबसे फेमस ये मैसूर पैलेस। यहां पे हर साल काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। इनफैक्ट दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट विजिटेड प्लेस इन इंडिया आफ्टर ताजमहल। इसकी एंट्री चार्जेस है 100 रुपीज़ पर पर्सन और ये पैलेस इवनिंग 5:30 तक चालू रहता है। मैसूर को सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर टोटल 7 पैलेसेस हैं, जिसमें से अम्बा विलास पैलेस, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द मैसूर पैलेस, टूरिस्ट की पहली पसंद है। ये इंडिया का सबसे बड़ा पैलेस है। यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत यूनिक है, जिसमें आपको हिंदू, इस्लाम, गौतिक और राजपूत स्टाइल का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। पैलेस के अंदर आपको हर इंच पे एक से एक डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। पूरे पैलेस में मुझे जनरल दरबार सबसे ज़्यादा पसंद आया, जिसका इंटीरियर बहुत ही आई कैचिंग है। हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉपुलर टूरिस्ट लोकेशन पे, विच इज़ चामुंडी हिल्स। एंड ऑन द वे आप गुजरते हो बहुत ही ब्यूटीफुल और सीनिक ड्राइव से। ऑन द वे हम यहाँ पे रुके हुए और यहाँ से आपको पूरे मैसूर सिटी का व्यू देखने को मिलता है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और आप यहाँ से पूरे मैसूर सिटी का व्यू देख सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल। आई डोंट नो इट इज़ विजिबल फ्रॉम कैमरा और नॉट, बट यहाँ से आप ललित पैलेस, मैसूर पैलेस और KRS बैकवाटर काफ़ी सारी लोकेशन देख सकते हो, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। सो हम चामुंडी हिल्स पहुँच चुके हैं और चामुंडी हिल में चामुंडेश्वर माता का मंदिर भी है। और जैसे आप एंटर करते हो ना, तो आपको ये स्टैचू नज़र आता है जो मेरे बैक पीछे आप देख रहे हो। ये महिषासुरा करके डेमन था, उसका स्टैचू है, जिसका वध चामुंडी माता ने किया था। ऑन द वे टुवर्ड्स द टेम्पल पे काफ़ी सारी ग्रीनरी, इनफैक्ट यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी है। ऑल दो आप अंदर जा नहीं सकते हो, बट आप बाहर से ही देख सकते हो। और एट द सेम टाइम यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स और रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आप लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं। ये काफ़ी ब्यूटीफुल और ओल्डेस्ट टेम्पल है मैसूर का। सो अगर आप मैसूर में आते हो और चामुंडी हिल्स आते हो, तो इस मंदिर में दर्शन करना चाहिए आपको। अनफॉर्चुनेटली अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसके लिए मैं आपको अंदर का दिखा नहीं पाया। बट ये जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो, बहुत ही अट्रैक्टिव है। एंड यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। हम पहुँच चुके हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे, विच इज़ सैंड म्यूजियम, जो यहाँ का काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ऑफ लेटली यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो चलिए जाते हैं अंदर। ये सैंड स्कल्पचर म्यूज़ियम इंडिया का एकलौता और अनोखा इस तरीके का ब्यूटीफुल म्यूज़ियम है, और इसे बनाने वाली आर्टिस्ट MN गौरी जी
इंडिया की फर्स्ट वुमेन आर्टिस्ट है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसे डिज़ाइन किया है, उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं और आज की तारीख में ये मैसूर का टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। सो यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। और यहाँ के एंट्री चार्जेस है 60 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड किड्स बिलो 10 ईयर्स को फ्री है। सैंड म्यूजियम के जस्ट बाजू में एक और प्लेस है फन वे एंड इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस और ये हमारी अगली लोकेशन है। सो यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जैसे कि गो कार्टिंग, पेंट बॉल, टारगेट शूटिंग, आर्चरी, बोलिंग, बुल राइड और हर एक एक्टिविटी के चार्जेस अलग अलग है और ये मॉर्निंग 10 से लेके इवनिंग 6:30 तक चालू रहता है। सो हम आ चुके हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे विच इज़ ललित पैलेस और ये सेकंड मोस्ट विजिटेड पैलेस है आफ्टर मैसूर पैलेस और ऐसा माना जाता है कि इसे उस वक्त के महाराजा ऑफ मैसूर ने वॉइस रॉय ऑफ इंडिया को होस्ट करने के लिए बनाया था। ये काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है और यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग्स भी हुई है, उसमें से लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी KGF भी इंक्लूडेड है। फिलहाल ये जो पैलेस है वो रेस्टोरेंट और होटल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हो और एज अ विजिटर भी इस पैलेस को आप विजिट कर सकते हो जिसके चार्जेस है 100 रुपीज़। उसमें आपको एक्सेस मिलता है यहाँ के ग्राउंड फ्लोर का, हॉल का, स्विमिंग पूल का और रेस्टोरेंट का। हमारी नेक्स्ट लोकेशन है करंजी लेक, मेरे पीछे आप एंट्रेंस देख सकते हो। इसका जो टाइमिंग है मॉर्निंग में 8:30 से इवनिंग 5:30 तक है और इसके एंट्री चार्जेस है 50 रुपीज़। सो आइए जाते हैं अंदर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है, इसके चारों तरफ काफ़ी ग्रीनरी है एंड इट इज़ वेल मेंटेन गार्डन। करंजी लेक में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, आप यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंजॉय कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, बच्चों के लिए प्ले एरिया है, प्लस आप यहाँ पे बर्ड्स वॉचिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे अट्रैक्शंस हैं बट अमंग ऑल दैट मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है यहाँ का पीकॉक वॉचिंग।
यहाँ पे आप पीकॉक को बहुत क्लोजली देख सकते हो और यहाँ पे काफ़ी सारे वराइटीज़ के पीकॉक रखे हुए हैं इन्होंने। और अपार्ट फ्रॉम इंडिया दूसरे कंट्रीज़ के भी पीकॉक यहाँ पर है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंकन। श्रीलंकन पीकॉक वाइट कलर का है। मैं पहुंच चुका हूं अपनी अगली लोकेशन पे, विच इज़ वृंदावन गार्डन। ये गार्डन कर्नाटका का सबसे बेस्ट गार्डन है और ये रात को भी चालू रहता है। यहाँ पे काफ़ी सारी लाइटिंग होती है। इसके एंट्री चार्जेस है 50 रुपीज़ पर पर्सन और यहाँ पे म्यूज़िकल एंड लाइट शो भी होता है। अनफॉर्चुनेटली आज नहीं है। ये बहुत ही बड़ा गार्डन है और पूरा गार्डन कवर करने के लिए आप में स्टैमिना होना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम ये गार्डन काफ़ी ब्यूटीफुल है। जनरली आप किसी भी गार्डन में सिर्फ दिन में ही जा सकते हो, बट ये ऐसा गार्डन है जहाँ पे आप रात में भी आ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारी लाइटिंग है और यहाँ पे फाउंटेन्स भी है। गार्डन की पॉपुलैरिटी इस बात से आप समझ सकते हो कि इवनिंग के 7:30 बज चुके फिर भी काफ़ी सारा क्राउड है। एज यू नो, मैसूर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिटी ऑफ पैलेसेस। तो हमारी अगली लोकेशन है जगन मोहन पैलेस, विच इज़ इन द सिटी सेंटर। और ये काफ़ी पुराना पैलेस है, इनफैक्ट इट इज़ ओल्डर पैलेस देन मैसूर पैलेस। तो आइए अभी अंदर जाते हैं। यहाँ की एंट्री टाइमिंग है मॉर्निंग 8:30 to 5:30 और यहाँ की एंट्री फीस है 60 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 30 रुपीज़ फॉर किड्स। सो ये पैलेस का एंट्रेंस है। पैलेस के राइट साइड में गेट है और यहाँ से आपको एंटर करना है पैलेस के लिए। मैसूर पैलेस 1861 में 5 एकड़ के लैंड में बिल्ड हुआ था और इसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। ये 7 पैलेसेस में से एक है और इनिशियली यहाँ पे वाडियार फैमिली रहती थी। उसके बाद मेन मैसूर पैलेस, जो कि यहाँ का टॉप अट्रैक्शन है, फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद मेन मैसूर पैलेस में जब आग लगने के बाद पूरी फैमिली वापस से जगमोहन पैलेस में शिफ्ट हुई थी। इस पैलेस के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अंदर आप काफ़ी सारे विंटेज पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, क्लॉक्स और एंटिक्स चीज़ें देख सकते हो। जगन मोहन पैलेस के बाद मैं पहुंचा नेक्स्ट अट्रैक्शन ऑफ मैसूर में, विच इज़ चामराजेंद्र जियोलॉजिकल गार्डन, ऑल्सो नोन एज मैसूर जू। और ये सिटी में सेंट्रली लोकेटेड है। आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, कार से इजीली पहुंच सकते हो। भाई ने पैसे पैसे वसूल केले आपण पैसे भरले तिकडून।
मस्ती करतात कसे धावतात ना पण. यहाँ पे काफ़ी सारे वैराइटीज़ के स्पीशीज देखने को मिलेंगे, जिसमें कि कलरफुल बर्ड्स, कार्निवरस एनिमल्स लाइक अफ्रीकन चीता, बंगाल फॉक्स, जैगुआर, लेपर्ड, लायन, टाइगर और वाइट टाइगर के साथ साथ हर्बीवरस एनिमल भी शामिल है, जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट, एशियाटिक एलिफेंट, ब्लैक बक, जीराफ एंड ज़ीब्रा. मैसूर का एक और अट्रैक्शन विच इज़ लोकराजन एक्वा वर्ल्ड. दिस इज इंडियाज फर्स्ट टनल एक्वेरियम और ये मैसूर जू से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस है. इसकी जो एंट्री टिकट है वो 199 रुपीज़ है फॉर एडल्ट एंड किड्स इज 150. मैसूर की टॉप 10 प्लेसेस. इसके अलावा भी मैसूर में काफ़ी सारी प्लेसेस है जहाँ पे आप घूम सकते हो. आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपका मन कर रहा होगा कि बैग पैक करें और जल्दी से मैसूर के लिए निकले. अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे ऐसे और भी कॉन्टेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर. मिलते हैं अगले ब्लॉग में.